पार्लियामेंट अगर नहीं होता चल रहा होता तो हमको भी बंद रखते। अच्छा सर, भद्रवाह की बात करूंगा, भद्रवाह में जितनी भी अथॉरिटीज आपने बीडीए या फिर हॉस्पिटल, तो उन सब में डॉक्टर्स की कमी रहती है काफी ज्यादा यहाँ पे लोग प्रॉब्लम्स, क्योंकि सरकार नाम की कोई चीज नहीं। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट भद्रवाह में मौजूद हूँ और आज जम्मू कश्मीर के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर गुलाम नबी आज़ाद साहब का विजिट था भद्रवाह के अंदर और काफ़ी तादाद में, हज़ारों के तादाद में लोग जो है उन्हें सुनने के लिए कम्युनिटी हॉल भद्रवाह में आए थे और उन्होंने लोगों से खिताब किया, हज़ारों के तादाद में लोग थे। और मैं आपको ये ज़रूर बता दूं कि गुलाम नबी आज़ाद साहब जो है वो भद्रवाह के रहने वाले हैं, भद्रवाह कॉन्स्टिट्यूएंसी के हैं, वो अपने घर आए थे, अपने इलाके में आए थे और यहाँ के कुछ मुतालबे हैं। मैंने मुनासिब समझा कि उनसे ये बातें जो है उनके माइंड में डालें, उनके जहन में डालें कि यहाँ पर अगर इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अगर उनके बदौलत यहाँ पर बीडी अथॉरिटी टूरिज्म यहाँ पे आया भद्रवाह के अंदर और भद्रवाह कैंपस काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट वर्क्स देखने को मिले उनके टेनवर में और उसके बाद जो है उन चीज़ों को किसी ने नहीं देखा। जिस तरह से हॉस्पिटल की बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर तो है लेकिन डॉक्टर्स नहीं मिलते हैं, यहाँ से जम्मू रेफर किया जाता है, लोगों को इतना सफ़र करना पड़ता है। फिलहाल ये चीज़ें हमने उनके माइंड में डाली, फिलहाल आपको सीधा दिखाते हैं उन्होंने मीडिया इंटरेक्शन में क्या कुछ कहा। चलो सर, आपका जो है दौरा चल रहा है, क्या मकसद यहाँ जो है? अरे बताया ना, मकसद सिंपल है कि ढाई साल से नहीं आ पा, स्ट्रीट में नहीं जा पा, क्योंकि ढाई साल पहले 5 अगस्त 2019 को स्टेट तोड़ दिया गया, ड्यूटी बनाई गई और सब लीडरों को बंद रखा। मैं तो पार्लियामेंट अगर नहीं होता चल रहा होता तो हमको भी बंद रखते, लेकिन पार्लियामेंट के दौरान भी मैंने कोशिश की, दो दफ़ा श्रीनगर आने की, एयरपोर्ट से ही वापस भेजा, जम्मू आने की कोशिश की, एयरपोर्ट से वापस भेजा। तो एक साल से या अंदर थे उसको कहीं इजाज़त नहीं दी जाने की। मैं जब जम्मू और श्रीनगर आया तो सुप्रीम कोर्ट की इजाज़त लेकर आया था, सुप्रीम कोर्ट का रुजू मैंने किया और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि जा सकते हो श्रीनगर और जम्मू, लेकिन कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं करता और बाहर कहीं नहीं जाता। तो अभी वो एक साल का बंदिश था ही कि कोविड आ गया, डेढ़ साल से कोविड चल रहा, तो ढाई साल के बाद हम लोगों को बाहर निकलने की थोड़ा सा विंडो मिल गया। मैं शुक्र करता हूं कि इस विंडो का फ़ायदा हमने उठाया, क्योंकि फिर आ रहा है कोविड, अब शुरू हो गया, अब इसके बाद हम नहीं करेंगे प्रोग्राम क्योंकि कोविड में अब इजाज़त नहीं मिलेगी और करना भी नहीं चाहिए। तो एक डेढ़ महीने का मुझे एक विंडो मिल गया, उस विंडो में मैंने जम्मू कश्मीर का दौरा किया और चनाब वैली का ख़ास तौर से किया, जाहिर है अपना डिस्ट्रिक्ट अपना एरिया है, तो उनकी हाल चाल पूछा, खैरियत के बारे में पूछा, भाईचारे कायम रखने के बारे में बात की, इकट्ठे हिंदू मुस्लिम सबको इकट्ठे रहना चाहिए, ये बहुत बुरा समय है पूरी दुनिया के लिए, इस वक्त हमारी लड़ाई होनी चाहिए कोविड के खिलाफ लड़ने की, गरीबी के खिलाफ लड़ने की, जहालत के खिलाफ लड़ने की, बेकारी और बेरोज़गारी के खिलाफ लड़ने की, महंगाई के खिलाफ लड़ने की। ये वक्त नहीं है कि हम हिंदू और मुसलमान आपस में बटे रहें और बांटते रहें, एक दूसरे को गाली दें। हमने ये जो आर्जी रेत के पहाड़ कई लोगों ने बनाई है राजनीति के लिए हिंदू और मुसलमान के बीच में, उन पहाड़ों को हमें गिरा देना चाहिए और हमें नज़दीक आना चाहिए। डिलिमिटेशन का जो है पहला एक खबर सामने आई है उसके बारे में जो अब सच मानो कि मैं अभी 4 दिन से चल रहा हूँ, दिन में 5-6 घंटे, अब जाओ एक साइड से फिर पब्लिक मीटिंग करके आओ, मैं ना टेलीविज़न देखा हूँ ना कोई अखबार देखा हूँ, अभी सुनी सुनाई है तो सुनी सुनाई पे मैं अभी कौन डिलिमिटेशन, एक तो
मोटा मोटा नंबर है कि वहाँ एक है, यहाँ छः हैं, यहाँ छः कहाँ कहाँ हैं, फिर एरिया किसका काटा है, फिर वो किसी का अहमद की टोपी महमूद के सर पे रखी है या किसी का बाजू निकाल के दूसरे के बाजू लगा दिया है, ये सब जब तक पूरा डिटेल नहीं पड़ेगा, पढ़ेंगे तब तक मैं इसको कमेंट नहीं। अच्छा सब, काफी लोग जो है खुश है भद्रवाह के अंदर भी, काफी टाइम के बाद यहाँ आए। जनाब अली किस तरह से आप बताएंगे? जब से स्टेट का बंटवारा हुआ तब से यहाँ तो हम 20 साल पीछे चले गए, टोटल 20 साल पीछे चले। अच्छा सर, भद्रवाह की बात करूंगा, भद्रवाह में जितनी भी अथॉरिटीज़ आपने BDA या फिर हॉस्पिटल, तो उन सब में डॉक्टर्स की कमी रहती है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे लोग प्रॉब्लम्स, क्योंकि सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है, हर चीज़ बंद है। जी जी, मैं देख रहा था हॉस्पिटल, उसका ये ऊपर पेंट तक नहीं कर पाए हैं इतने साल, और उसमें डॉक्टर नहीं दे पाए। हमने यहाँ डॉक्टर सब जगह से लाए थे, हम स्कूल कॉलेजेस दिए थे, उनमें टीचर्स नहीं है, हॉस्पिटल बनाए उनमें डॉक्टर नहीं है, उनमें दवाइयाँ नहीं हैं। कौन सी चीज़ है जो हमने बनाई थी और उसमें खाली मरम्मत की हो? नई बनाने का तो इनके बस का है ही नहीं। कोई भी चीज़ स्टेट में, यहाँ भद्रवाह की छोड़ो, स्टेट में 7 साल से 5 साल से मुझे ये एक चीज़ बताएं कि जो उन्होंने बनाई है और जो हमने बनाई थी उसकी मरम्मत भी एक चीज़ जगह दाया है कि इसकी मरम्मत की है। उनको तो स्टेट का बुरा हाल है, इसीलिए तो हम चाहते हैं कि जल्दी इलेक्शन हो, एक इलेक्टेड सरकार। अच्छा सब, चिनाब वैली की बात करिए तो हमेशा इग्नोर किया जाता है, जम्मू डिवीजन में सबसे बड़ी जो एरिया है पीर पंजाल एरिया या फिर चिनाब वैली सबसे बड़ा एरिया, क्या इस पे ज्यादा फोकस रहेगा आपका? देखिए, इसमें तो मैं चाहता था कम से कम 3 सीटें तो पीर पंजाल को ही देनी चाहिए जी, क्योंकि एरिया के हिसाब से ये तकरीबन पीर पंजाल, अगर इसमें हम ये चिनाब वैली अगर इसमें गिनेंगे, चिनाब वैली यहाँ जब मैं चीफ मिनिस्टर था तो चिनाब वैली खाली डोडा डोडा डिस्ट्रिक्ट को कहते हैं, नहीं, चिनाब वैली रियासत गूल अरनास रियासी और अखनूर तक है। चिनाब वैली का क्या मतलब है? जहाँ जहाँ से चिनाब चले, तो चिनाब खाली डोडा भद्रवाह किश्तवाड़ से नहीं चलता है, ये रियासी डिस्ट्रिक्ट गूल के नीचे से चलता है, अरनास के नीचे से चलता है, रियासी के तो बिल्कुल शहर के पास से चलता है, और अखनूर तो बिल्कुल इसी का हिस्सा है। तो चिनाब वैली अखनूर से लेकर और भद्रवाह किश्तवाड़ तक है, ये 9 कॉन्स्टिट्यूएंसियाँ हैं, और इसका एरिया तकरीबन मैं कहूँगा कि जो अभी की जो स्टेट है 40%, उसका 50% कश्मीर और पूरा जम्मू मिलाकर इसका चिनाब वैली 50% है। तो यहाँ तो अगर 10 सीटें भी बढ़ाओगे इस पूरे अखनूर से लेकर रियासी से लेकर गूल अरनास से लेकर, तो 10 सीटें और भी बढ़ेगी तो वो भी कम है। DARS Commerce and Management Studies announces admission for coaching 11th 12th Commerce BCom BBA all semesters CA CMAT UGAT. DARS Commerce and Management Studies, the symbol of excellence. Paripura opposite GN Sons, Naugam bypass above HDFC Bank. Phone number 7006149618.